Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture. Another नहीं, the first lecture of daily practice assignment. हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बुक बनाई है 365 days of mathematics. वो बच्चे जिनका mathematics, जिनका maths week है, मैं उनसे सिर्फ ये बोलता हूँ कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं मेरे बच्चों, 5, 6 और 7, 7 में से किन्हीं भी चार दिन मैथ्स की प्रैक्टिस करो, और वो भी एक दिन में सिर्फ 5-5 क्वेश्चंस करो, 5-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. बट कौन से क्वेश्चंस करो? क्वेश्चंस वो करो जो कहीं से भी पूछा जा सकता हो. अभी शुरू में जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो डे 1, डे 2, डे 3 वगैरह में मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से चलूंगा. डे 1 से लेकर डे 10 तक सिर्फ चैप्टर 1 होगा. डे 10 के बाद चैप्टर 2 जब शुरू होगा, बट उसमें थोड़ा थोड़ा चैप्टर 1 भी आ जाएगा. फिर 20-22 दिन बाद डे 21-22 में जब चैप्टर 3 शुरू होगा तो उसमें चैप्टर 1 और 2 भी आ जाएगा. जैसे जैसे हमारा सेशन बढ़ता जाएगा, डे 100, डे 115, डे 120 तक चैप्टर 7, 8 के साथ चैप्टर 1 के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. आपसे कोई भी कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप रेडी हो. लक इज वेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी. अगर आप तैयार हो तो आप लकी हो, अगर आप तैयार नहीं हो तो आप लकी नहीं हो. इट इज एज सिंपल एज दैट. माता रानी का नाम लो. ये डे वन है और ये डे 2 है. जिन्होंने डे 1 नहीं कर रखा, जिन बच्चों ने डे 1 नहीं कर रखा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है मुझे पॉज करो और डे 1 खुद से ट्राई करो. मैथ्स मेरा ठीक नहीं होना, मैथ्स आपका ठीक होना है. तो डे 1 ट्राई करो और मैं एक एक क्वेश्चन के डाउट्स अभी आपको करा रहा हूं. तो माता रानी का नाम लेते हैं और शुरू स्टार्ट करते हैं. जय माता दी. डे 1 का पहला क्वेश्चन बोलता है, एक्सप्रेस 23150 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. इजी है, मैं नहीं कह रहा कर लेना, कर लोगे, हो जाएगा. मैं सिर्फ इतना बोलूंगा तरीके से करना. प्राइम फैक्टर्स बोला है, मैंने पहले 5 से करने की कोशिश करता हूं इसको, मगर बच्चा कहेगा नहीं सर पहले 2 से करो. छोटा नंबर उठाते हैं, 2 से करते हैं. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 7s are 14 और 2 5s are 10. फिर 5 से करेंगे, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 1s are 5 5s are. फिर 5 से करेंगे, 5 4s are 20. हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए तो मजाक मत उड़ाना. 5 6s are 3. और 463 पे आके हम थोड़ा सा फंस जाते हैं. 463 का डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह करते हैं. ये भैया 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा. 3 से देख लेना, नहीं जा रहा. 4 से जा रहा है, नहीं जा रहा है. 5 से जा रहा है, नहीं जा रहा है. एक बार चेक करेंगे आराम से. हमने 463 को 3 से भी ट्राई करा, 7 से भी ट्राई करा, 11 से भी ट्राई करा, 23 से भी ट्राई करा, 17 से भी ट्राई करा, किसी से भी नहीं गया. तो 463 पे रुक गया. तो 23150 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 5 × 5 × मेरे बच्चों 463. घबराना नहीं, ये नंबर थोड़ा सा ऐसा था इसीलिए 2 × 5² × 463. बस एक गलती मत कर देना, प्राइम फैक्टर्स के अंदर 1 नहीं आता. प्राइम फैक्टर्स में आपने 1 नहीं लेना, ये ध्यान दे लीजिएगा. अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा सिंपल तरीके से करेंगे, ज्यादा हाई तौबा नहीं लगाएंगे. उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 31? एलसीएम ऑफ 31, 31 इज आवर फर्स्ट नंबर. एंड व्हाट इज 222? 222 इज आवर सेकेंड नंबर. अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो क्लास जानती है 31 एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है. तो 31 के फैक्टर्स जो होंगे वो 31 ही होंगे. और 222 की बात करें तो 222 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 × 111 होंगे. 111 एक प्राइम फैक्टर होता है. देयरफॉर एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उठाएंगे तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 × 31 × 111 आएगा. क्लास बोलेगी 62 × 111. आराम से 62 × 111 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा. दैट विल बी योर एलसीएम. 62 × 111 इज इक्वल्स टू 6882 इज द एलसीएम ऑफ, लिखोगे कैसे, 31 and 222. माता रानी का नाम लो और बिल्कुल रिलैक्स होकर करना, तो तुम्हें भी फायदा होगा और हमें भी दिक्कत नहीं होगी. बातें हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 270 एंड 675. 270 इज आवर फर्स्ट नंबर
एंड 675 इज आवर सेकेंड नंबर. हम 675 को 270 से डिवाइड करेंगे. 272 जा होता है 540, अगर मैं गलत नहीं जा रहा तो. 5 एक्चुअली में क्लास में ये क्वेश्चन हम बच्चों से करवाते हैं, कई बार खुद निकल जाते हैं. 7 में से 4 गया 3, और अगर 7 हो तो 135 आएगा. मींस 675 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 270 प्लस 135. अब जो नंबर्स उठाने हैं वो एक उठेगा 270 और एक उठेगा 135. अब 270 को जब 135 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 135 प्लस 0 आ जाएगा. ये डायरेक्टली भी आप देख सकते हो, 270 डिवाइडेड बाय 2 सॉरी 135, 135 टू जा 270 होता है, क्योंकि यहाँ पे आ गया 0, तो मींस 135 मेरा हीरो. देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 270 कॉमा 675 इज 135. दिस इज योर आंसर. आराम से माता रानी का नाम लो और बिल्कुल आराम से चलना. सेकेंड पार्ट एक बार खुद से ट्राई करो, मुझे पॉज करो, खुद से ट्राई करो, खुद ग्रो करो. तुम्हारी ग्रोथ में हमारी जीत है. ये वाली पूरी किताब नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, नहीं तो jupiterflix.com पे जाओ, वहां पर ये बहुत सारी बुक्स हैं, फ्री PDF हैं, डाउनलोड करो, मस्ती करो, पढ़ाई करो. अगला जो है 570 हमारा फर्स्ट नंबर है, और 1425 हमारा सेकंड नंबर है. तो हम यूक्लिड डिवीजन लेना है, तो 1425, देखो लिखते हुए क्या गलती हो गई, ऐसी गलती हो सकती है, मेरे से तो बहुत होती थी. 1425 को हम डिवाइड करेंगे, 1425 को डिवाइड करेंगे 570 से. 570 टू आ जाएगा, 20 0, अगर 7 हो 7 2 14 का 4, 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11. यहाँ बचेगा 5, 12 में से 4 गया बचा 8, 3 में से 1 गया बचा 2. तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 570 प्लस 285 अगर 7 हो तो 285. अब 570 को डिवाइड करेंगे 285 से. 570 इंटू 285 करेंगे तो 285 वन जा 285, 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ पे आ जाएगा 6 मतलब एक कैरी लेंगे, 16 में से 8 गया बचा 8, 4 में से 2 गया बचा 2. अरे तो पूरा ही जा रहा है 285, तो 2 इंटू 285 प्लस 0, हम डर गए थे क्योंकि यहाँ आया 0, तो 285 मेरा हीरो. HCF ऑफ 570 कॉमा 1425 इज 285. रिकॉर्डेड क्लासेस में सही करना, बाई चांस कोई नंबर गलत हो जाए, कोई फिगर गलत हो जाए, तो हम लोग भी फंस सकते हैं. ये था क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है, आपने 9th में भी किया होगा, अगर अच्छी प्रैक्टिस 9th में करी है तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए. ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए हमें. वो कह रहे हैं क्या है इस क्वेश्चन में, एक्सप्रेस 0.3178 बार है सिर्फ 178 के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. अगर आपने 9th में कराओ तो सबसे पहले बताया गया था डेसिमल बार के साथ होना चाहिए. डेसिमल बार के साथ नहीं है, ये एक अच्छी बात नहीं है. डेसिमल को बार के साथ जाने के लिए एक प्लेस मूव करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10. तो यहां आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 0.3178 बार, इसको मानो इक्वेशन 2. 03 नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना है 3.178 बार. अगर ये पल्ले पड़ा है तो ही आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो नहीं. अब क्या हो रहा है, 178 बार है, यहां पर बार 3 के ऊपर है, तो यहां मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 1000. तो 10x जो आपको यहां पर 10x बराबर दे रखा है 3.178 बार, यहां पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, यहां भी मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, यहां पर आ जाएगा 10000x इज इक्वल्स टू 3178 पॉइंट, फिर आ जाएगा 178 बार. इसको मानोगे इक्वेशन 3, इसको मानोगे इक्वेशन 3. ध्यान से देख लो, एक स्टेप बढ़ गया था. अब इक्वेशन 3
माइनस इक्वेशन टू, इक्वेशन वन नहीं माइनस होगी क्योंकि जो बार है वो डेसिमल के साथ होना चाहिए। तो 10,000x माइनस 10x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 3.3178.178 बार माइनस 3.178 बार, बार से बार तो बाय बाय करो, गया आठ में से तीन गया पाँच, 7.31 और यहाँ पे आ जाएगा इतना 10,000 में से करेंगे तो 9,990x आ जाएगा, तो 9990x बराबर 3175, तो x बराबर आ जाएगा 3175 अपॉन 9990। यहाँ छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको 5 से और फर्दर डिवाइड कर देना, इसको 5 से और फर्दर डिवाइड कर देना और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, 5 से काट देना। आई होप आप लोग 5 से कैंसिल कर सकते हो, दसवीं क्लास के बच्चे हो, बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन नंबर 5, कईयों को ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, कईयों को थोड़े अजीब लग रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यही पढ़ाई का मतलब है, सीखना और सिखाना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो कह रहे हैं एचसीएफ दे रखा है, एक नंबर है 26, सेकंड नंबर है 169, एचसीएफ दे रखा है 338, जय माता दी। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 169? अच्छा एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, एलसीएम दे रखा है, एलसीएम। दो नंबर्स के केस में वी नो दैट, आप ऐसे लिखोगे, वी नो दैट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये चीज सिर्फ दो नंबर्स के केस में होती है, मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर जो है मेरे बच्चों वो है 26, सेकंड नंबर जो है वो है 169, बराबर एचसीएफ हमारे पास नहीं है, एलसीएम हमारे पास दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 338। घबराने की जरूरत नहीं है, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 26 इनटू 169 डिवाइडेड बाय 338। 169 को अगर आराम से ध्यान से देखना, 169 वनजा, 169 टूजा, 2 वनजा, 2 थर्टीनजा, तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू 13 आ जाएगा। बट एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करोगे, एचसीएफ ऑफ 26 26 एंड 169 इज 13, दिस इज द एचसीएफ। मेरे बच्चों मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को डे वन के डाउट्स करा दिए हैं, हमारे साथ चलो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, jupiterflix.com पे लॉग इन करो, वहां पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जय माता दी। आप लोग समझदार हो, आजकल लोग ज्यादा समझदार हैं, तो ज्यादा समझदारों को समझाया नहीं जा सकता। दिस इज डे टू, ये डे टू है, डे टू का असाइनमेंट ट्राई करके रखना, इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपके साथ डे टू डिस्कस करूंगा, मैं नहीं कह रहा मैं डेली करूंगा, हफ्ते में चार दिन आप प्रैक्टिस करते चलो, दिसंबर तक इस बुक को खत्म करना है हमने, इस बुक को हमें दिसंबर तक खत्म करना है, देखते हैं मैं कितनी कराता हूं, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आप लोगों को पूरी किताब यूट्यूब पे करा दी जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस, जहां ट्यूशन पढ़नी है पढ़ो ना, बट एक बार jupiterflix.com पे आके देखो, अपनी जिंदगी बना के देखो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहना बेटा, ज्यादा टेंशन मत लेना, हाँ देख लेंगे जो भी होगा।